दोस्तों आप अगर वर्क फ्रॉम होम काम करना चाहते हो तो मुझे अभी कुछ ही देर पहले एक वेबसाइट पता चली है जहां पर आप सिंपली 100 वर्ड्स टाइप करते हो, सिर्फ 100 वर्ड्स टाइप करते हो तो आपको यहां पे $5 की अर्निंग हो जाती है और एक पेज में लगभग 300 वर्ड्स होते हैं। तो अगर आप यहां पे एक पेज कंप्लीट करते हो राइटिंग करके तो यहां पे आपको लगभग $15 की अर्निंग हो जाती है। अगर मैं $15 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे $15 इन रुपीज अगर मैं सर्च करता हूँ गूगल पे तो यहाँ पे आ जाता है लगभग 1248 रुपये, मतलब 1250 रुपये आपके एक दिन में आसानी से अर्निंग हो जाएगी अगर आप एक पेज राइटिंग करते हो तो। आज अगर आपको जानना है कि वो कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर आप सिंपली एक पेज राइट करके 1250 रुपये कमा सकते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। और इस वीडियो में मैं इस वेबसाइट के बारे में सारी जानकारी आपको दे दूंगा कि कैसे यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, कैसे आपको काम करना है, कैसे आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू कर देता हूँ। और हाँ, मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन अर्निंग की जो भी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाते ही रहता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में अभी देख सकते हैं, इस वेबसाइट का नाम है textroyal.com। इस वेबसाइट में सिंपली प्रोफेशनल राइटिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिसमें 100% जो काम होता है वो ह्यूमन से होता है। यहाँ पे कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है तो आप यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर टाइपिंग का काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक वर्ड के ऊपर 0.05 की अर्निंग हो जाती है और आप यहाँ पर डे के आसानी से 1250 रुपये कमा सकते हैं, क्योंकि आप जब 300 वर्ड्स लिखते हैं तो पूरा एक पेज हो जाता है और 300 पेज के ऊपर आपको $15 मिल जाते हैं। यहाँ पर इस वेबसाइट में जिन लोगों को आर्टिकल्स लिख के चाहिए होते हैं या फिर ब्लॉग पोस्ट लिख के चाहिए होते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए रहता है वो लोग यहाँ पे बिड करते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी फ्री है, कोई भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है। देखिए इस वेबसाइट में आप सिंपली SEO कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, आर्टिकल राइटिंग कर सकते हो, एकेडमिक राइटिंग भी कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट जो वेबसाइट्स होती हैं ब्लॉग्स रहते हैं वो लिख के अर्निंग कर सकते हो, सोशल मीडिया के पोस्ट लिख के भी अर्निंग कर सकते हो, प्रेस रिलीजेस मतलब न्यूज़ के रिलेटेड आर्टिकल क्रिएट करके अर्निंग कर सकते हो, वेब कंटेंट मतलब वेबसाइट के ऊपर जो भी ये कंटेंट है ये लिख के भी आप अर्निंग कर सकते हो, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मतलब Amazon और Flipkart में जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन रहते हैं वो वाले डिस्क्रिप्शन लिख के भी अर्निंग कर सकते हो, और कस्टम कंटेंट मतलब जिस किसी को कस्टमली कुछ लिख के चाहिए उसके कंटेंट के रिलेटेड वो लिख के भी यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो। तो जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उस प्रोजेक्ट में जितने वर्ड्स आप टाइप करेंगे उतनी आपकी यहाँ पे अर्निंग हो जाएगी। जो कोई चाहता है कि वो घर से बैठ कर लगभग महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये कमाए तो ये वेबसाइट बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। तो अगर आप आर्टिकल टाइपिंग करते हैं, एक पेज लिखते हैं तो आपको यहाँ पे $15 मिल जाते हैं आप अगर स्टैंडर्ड डिलीवरी देते हैं तो, मतलब 5 दिन में एक पेज लिखते हैं तो। अगर वही पेज आप एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं फास्ट तरीके से, अगर जिसको टाइपिंग आती है, जिसको आर्टिकल राइटिंग आती है वो एक पेज दिन भर में लिख सकता है आसानी से, जिसको $30 का अर्निंग हो सकता है एक दिन में, ठीक है। अगर आप वो 2 दिन में कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पे लगभग 22.5 मतलब $22.5 मिल जाएंगे। और वही चीज़ अगर आप एंटरप्राइज लेवल पे हो, राइटिंग करने में आप एंटरप्राइज लेवल पे पहुंच गए हो तो एक दिन में आपकी, देखिए दोस्तों, एक पेज को राइटिंग करके यहाँ पे अर्निंग हो जाएगी लगभग $42 की, ठीक है। अगर आप दिन भर में या फिर अगर आप पूरे महीने में सिर्फ 30 पेजेस लिखते हैं तो 30 पेजेस का मतलब होता है लगभग 3000 वर्ड्स। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3000 वर्ड्स और आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच गए हैं तो यहाँ पे लगभग आपकी पूरे महीने में $420 की अर्निंग हो सकती है। मान लो आप एक्सपर्ट लेवल पे नहीं है, आप प्रीमियम लेवल पे है, फर्स्ट लेवल पे है और आप प्रीमियम लेवल से काम कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे अर्निंग लगभग $300 का हो जाएगा पूरे महीने का। अगर मैं यहाँ पे $300 को कन्वर्ट करूँ इंडियन रुपीज़ में तो यहाँ पे लगभग 24,900 की अर्निंग हो जाती है, मतलब लगभग 25,000 की अर्निंग हो जाती है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स के अंदर कितना काम करते हैं, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे सिंपली ये डाल दिया है कि आप दिन भर में सिर्फ एक पेज लिख रहे हैं और पूरे महीने में 30 पेज लिख रहे हैं, तो 30 पेज का पूरे महीने में और हर एक पेज एक दिन में आपको लिखना है तो आपको यहाँ पे लगभग $300 की अर्निंग हो जाएगी। अब आप अगर दिन में 2 पेज लिखते हैं तो आपकी अर्निंग यहाँ पे डबल हो सकती है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं इस वेबसाइट में टाइपिंग का काम करने के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में करना है काम, इसीलिए आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पे वर्क जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको आर्टिकल राइटिंग या फिर टाइपिंग के रिलेटेड जो भी काम करना है उसकी पूरी डिटेल दी जाएगी, ठीक है। आजकल मैक्सिमम ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको अगर आर्टिकल राइटिंग या फिर टाइपिंग का काम करना है तो वहां पे आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, पर ये वेबसाइट बिल्कुल भी फ्री है, आप यहाँ पे अगर काम करते हैं तो आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है।
वीकली पे आउट रहेगा आपको हर हफ्ते, अगर आप $10 भी यहाँ पे अर्निंग करते हो तो हर हफ्ते आप यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हो। पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे पेपल का यूज़ करना है विड्रॉल करने के लिए, जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट पेपल का फ्री में पेपल की वेबसाइट पे, ठीक है। फ्लेक्सिबल टाइम रहेगा आपको, जब चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो, और 100 ऑफ चॉइस रहेंगी, मतलब बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल रहेंगे जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जाना है अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे सबसे पहले आपको अपना खुद का अकाउंट क्रिएट करना होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। साइनअप के पे आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आपका एक इनिशियल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ साइन इन करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉग इन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक कर दिया है और रिमेंबर मी के ऊपर क्लिक कर दिया है और लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। आप फेसबुक के अकाउंट से भी यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो या फिर गूगल के अकाउंट से भी लॉग इन डायरेक्टली कर सकते हो, ये फॉर्म फिलअप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो लॉग इन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे इनिशियल में, स्टार्टिंग में, ये जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये एक टेस्ट है जिसको आपको पास करना होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं इन क्वेश्चंस को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे सीधे पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि इनको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे इस वेबसाइट में एक ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इनको पता चल जाता है आपके इस सिस्टम में सर्च हुआ है इस क्वेश्चन को, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये लोग पता कर लेते हैं कि आप चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चीटिंग नहीं करनी है, सिंपली जो क्वेश्चन दिया गया है उसके आंसर्स आपको सही से देने हैं, और जितने आपके सही क्वेश्चंस के आंसर्स रहेंगे आप यहाँ पे पास आउट हो सकते हैं इस टेस्ट में। इसी के आधार पर आपको आगे का प्रोसेस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा हूँ ये मेरे सभी सही नहीं रहेंगे, मैं आगे का प्रोसेस दिखाने के लिए आपको यहाँ पे ये प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके छोड़ दे रहा हूँ, डायरेक्टली जो मुझे लगे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी दिखाने के लिए मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। सेंड फॉर रिव्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है, सभी क्वेश्चंस के आंसर सही से देके, और फिर आपका ये जो टेस्ट है उसको चेक किया जाएगा, क्विज कंप्लीटेड अनसक्सेसफुली, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी आंसर दिए ये सही नहीं थे, इसकी वजह से मेरा ये रिव्यू फेल हो गया, ठीक है। अब देखिए, आपको अगर ये टेस्ट पास करना है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर कैसे करें, अगर इस सिस्टम में मैं इनको सर्च कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, ये सभी क्वेश्चंस एक मोबाइल में आपको सर्च करने हैं, जैसे कि आपके पास मोबाइल है सेपरेटली, या फिर आपके दोस्त का कोई मोबाइल ले लीजिए, इस टेस्ट को आप अपने मोबाइल से दे सकते हो और उस क्वेश्चन को सर्च करिए, ठीक है। सर्च करने पर वो डिवाइस अलग रहेगा, जिससे कि आपको उसका आंसर मिल जाएगा और आंसर को आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो उसके बाद ये सभी आंसर्स आपके करेक्ट आ जाएंगे, फिर आगे का जो प्रोसेस है वो आपका हो सकता है, ठीक है। ये प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, इसी के बाद आपको यहाँ पे चांस मिल सकता है आर्टिकल राइटिंग करने का। यहाँ पे डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल राइटिंग है, ब्लॉग पोस्ट है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, वेब कंटेंट है, सोशल मीडिया आर्टिकल्स लिख सकते हैं आप, प्रेस रिलीजेस लिख सकते हैं, एकेडमिक राइटिंग कर सकते हैं, सोशल कंटेंट और अदर कंटेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, उस टेस्ट को पास कर लेना है। आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करके वो टेस्ट दे देते हैं और वहाँ पे आपका रिव्यू अगर नहीं होता है तो ये समझ लीजिए कि आपने चीटिंग किया हुआ है, इसकी वजह से आपका रिव्यू नहीं हुआ है कंप्लीट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस जो है अलग सिस्टम में सर्च करने, अलग आईपी से, लोकेशन भी थोड़ा अलग होना चाहिए, या फिर आप VPN यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका अलग लोकेशन हो सके, और उसको यूज़ करके आप यहाँ पे वो टेस्ट दे सकते हैं। जैसे आप रिव्यू में पास हो जाएंगे तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा और आप यहाँ पे आर्टिकल राइटर के तौर पर काम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी मैंने इस वेबसाइट के बारे में जानकारी दी है आपको, आशा करता हूँ आपको समझ में आई हो। कुछ भी क्वेश्चन आपके रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा, ठीक। और जो भी कोई बंदा यहाँ पे रजिस्टर करना चाहता है, रजिस्टर कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स उससे आ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा टाइम निकाल के, ठीक है। और देखिए, वीडियो ऐसे जो मैं बनाता हूँ वो आर्टिकल राइटिंग्स के ऊपर ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी बनाता हूं जहां पर आप सिंपल काम करके अर्निंग कर सकते हो, और ये वीडियोस मैं हमेशा सुबह शाम पोस्ट करते रहता हूं, तो उन वीडियोस को देखने के मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।